में मस्जिद सर्वे में 12 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई की गई, जिसमें 1500 से ज्यादा तस्वीरें ली गई। इसके साथ ही कई घंटे की वीडियोग्राफी हुई और आज कोर्ट में इस रिपोर्ट को सबमिट करना था। अभी हमारे साथ वकील आयुक्त अजय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि 3 दिन की कार्रवाई कैसी रही और किस तरीके की अब आगे की प्रक्रिया होने वाली है। सर, 3 दिन आप लोगों ने सर्वे किया, क्या कुछ खास रहा? हम लोगों ने 14 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक सर्वे किया, जिसमें वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष और प्रशासन सभी का संपूर्ण सहयोग रहा, किसी ने कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। और 15 तारीख को भी हम लोगों ने सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरा सर्वे किया, फोटोग्राफी कराया गया, वीडियोग्राफी कराया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। कल भी हम लोगों ने करीब 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का सर्वे किया, 2 घंटा कल सर्वे किया गया। सिर्फ ऊपरी हिस्से में जहाँ पौंड था, तालाब था जहाँ पर, उसी को थोड़ा सा पानी खाली करा करके उसको देखा गया, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये सब कराया गया। 3 दिन की कार्रवाई हम लोग की संपूर्ण हो चुकी है, सर्वे की कार्रवाई हम लोग की पूरी संपूर्ण हो चुकी है। जी, आप तालाब की बात कर रहे थे, तालाब को लेकर के कल कोर्ट में एक कागज भी पेश किया गया और वहाँ पे मिले शिवलिंग की सुरक्षा की भी बात की गई, क्या ये तथ्य सही? हाँ, तालाब का पानी तो निकलवाया गया हम लोग और उसमें कुछ चीज़ें मिली, लेकिन उसके बारे में हम पूरा खुल के नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके उसको माननीय न्यायालय को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और अगर वादी पक्ष गया एप्लीकेशन दे माननीय न्यायालय को दिया है, अगर माननीय न्यायालय ने उस पर कोई आदेश किया है तो माननीय न्यायालय का आदेश जो अगर हुआ है तो वो सही हुआ होगा। 3 दिन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई, क्या कुछ संख्या रही और क्या कुछ तरीके से आज आप लोग रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे? हम लोग रिपोर्ट पूरी नहीं तैयार कर पाए हैं क्योंकि समय न मिलने के कारण आधी रिपोर्ट ही तैयार हो पाई अभी तक, और हम लोग आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन देंगे कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हमको समय दिया जाए। जी, और क्या लगता है कब तक ये रिपोर्ट सबमिट हो पाएगी? हमें जहाँ तक उम्मीद है, हमारे जो वरिष्ठ आयुक्त हैं, एडवोकेट कमिश्नर, और हम तीनों लोग मिल करके 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, फिर माननीय न्यायालय को समझ सपोर्ट कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ है कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि आगामी दिनों में ये रिपोर्ट सबमिट कर की जाएगी। लगभग 12 घंटे तक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1500 से ज़्यादा तस्वीरें ली गई थी और कई घंटे की वीडियो बनाई गई थी, और निश्चित तौर पर इस सर्वे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाएगी, इसके लिए बाकायदा कोर्ट कमिश्नर आगामी तारीख लेंगे और इस तारीख पर जो है इस रिपोर्ट का जो है सर्वे को वहाँ पर सबमिट किया जाएगा। बहरहाल, ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है और क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग पक्ष अपने दावे कर रहे हैं कि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।